हेलो यर्स, आज अपन फिर से हैं परी एक्वेरियम वन में। अपने साथ है आर्य भाई। तो आर्य भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला हमें वीडियो देने के लिए। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं आर्य भाई? सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करूंगा भाई, जो आप मुझे मेरा थोड़ा टाइम बिजी शेड्यूल के अंदर, मैं रमजान का टाइम चल रहा है, वक्त ही दे पाता हूँ थोड़ा सा, तो वीडियो थोड़े से रुक रुक के आ रहे मेरे। तो मैं आज आप लोगों को दिल से पहले सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ रमजान की, और रमजान के मौके पर मैं आप लोग को मेरी मछलियाँ के प्राइजेस वगैरह बता रहा हूँ, रमजान के जो मौका चल रहा है वो उसके लिए। तो मैं आप लोग को वीडियो देखिए, मैं आप लोग को एंटर के प्राइजेस बताता हूँ, मेरे पास काफ़ी स्टॉक में क्या क्या है, अपडेट वीडियो रहता है जिसमें मैं प्राइसेस बताता हूँ मछलियों के। तो आप देखिए वीडियो एंड तक, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मछली कौन सी मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरिफ भाई, ये इस टैंक के अंदर कौन सी फिश है? व्यूअर्स, अब लोग जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इम्पोर्टेड गोल्ड की वैरायटी है। आप लोगों को पता रहेगा, आपने काफी सारे गोल्ड देखे रहेंगे, उस टाइप में से ये इम्पोर्टेड गोल्ड है। ये इम्पोर्टेड गोल्ड की खासियत ये होती है कि नॉर्मल गोल्ड जो चेन्नई मद्रास के गोल्ड के मुकाबले में ज्यादा हेल्थी होते हैं और ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं ये मच्छी। तो आप लोग देखेंगे कि ये आपके जो स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रही है, ये इम्पोर्टेड गोल्ड है और इसके प्राइजेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो मतलब अगर आप 10 या 15 गोल्ड खरीद लेते हो तो एक के दो के बराबर है ये। अगर आप दो भी मच्छी रखेंगे टैंक के अंदर आपके, तो बेस्ट है ये। इन लोग की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है और ये ज़्यादा मूविंग करते हैं और ज़्यादा खूबसूरत मच्छी है ये। तो इसलिए इसके प्राइस बता, वो 2000 पर पीस के हिसाब से मिलेगा। इसका साइज मिनिमम रहेगा 5 इंच का साइज गोल्ड का। ओके, ये मैं देखे रहे आप लोग ने, काफ़ी ये गोल्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं पालना चाहते, आपके टाइम में ओनली फॉर दो पीस भी रखेंगे तो आप बेस्ट है ये। और नॉर्मल गोल्ड फिश के जैसा पालना है आपको, नॉर्मल स्पंज फिल्टर एंड हीटर लगाना है आपको, वार्म वाटर का मच्छी है तो आप इसको ईजी से पाल सकते हो। ये वाले मेरे पास अवेलेबल है, 4000 पेयर में आपको मिल जाएगी। ओके, तो अरे भाई, ये इस टैंक के अंदर कौन सी गोल्ड फिश है अपने पास? यहाँ पे मिक्स लॉट है मेरे पास, पल्स के लिए रेड कैप है, वरंडा गोल्ड है, अच्छा क्वालिटी का माल है ये। इसके अंदर आपको ब्लैक वरंडा भी मिल जाएगा और ब्लैक मोर भी मिल जाएगा, डॉल्फिन ब्लैक मोर जो बोलते हैं काले कलर में वास्तु में जो यूज़ होता है वो वाला मच्छी भी मिलेगा। अगर आप इसके अंदर से बाय करना चाहते हैं तो आपको 125 इंच के हिसाब से पड़ेगा, और आप ब्लैक वरंडा लेंगे तो आपको 200 इंच में पड़ेगा, मतलब 400 पैर में, 254 पैर में आपको इसके अंदर की मछलियाँ मिल जाएगी। अच्छी हेल्थी कंडीशन में है और नॉर्मल लोकल मच्छी है ये, मैं भी बोलता हूँ कि इम्पोर्टेड है। ओके, पर ये अच्छा हेल्थ है इनका, ये अच्छी मतलब नॉर्मल में भी अच्छी क्वालिटी की है। हाँ, क्वालिटी वाइज अच्छा है। ये इस टैंक के अंदर कौन सी डिस्कस आ रही भाई? यहाँ पे ये अच्छी क्वालिटी की डिस्कस है, चेकरबोर्ड वगैरह मिक्स लॉट है। यहाँ पे इसने स्किन टर्कोइज वगैरह है, यहाँ पे टाइगर टर्कोइज है इसके अंदर, मिक्स लॉट है, ब्लू डायमंड है इसके अंदर। ये अच्छी क्वालिटी की, साइज भी अच्छा है, आप लोग देख रहे हैं, आपको वीडियो में नजर आ रहा है आपके, देखेंगे यहाँ पे ये डिस्कस आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये वाले आपको 800 इंच के हिसाब से पड़ेगा ये डिस्कस, इसके अंदर मिक्स लॉट में है ये, तो 1600 रुपये पैर में आपको मिल जाएगा, बेस्ट क्वालिटी के। पैटर्न एंड मार्किंग काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, अफ्लेशिया भी है, चेकरबोर्ड भी है, मैप भी है इसके अंदर, टर्कोइज भी है इसके अंदर, ब्लू डायमंड भी है, तो आपको ये 800 इंच के हिसाब से मिलेगा। तो अरे भाई, बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल रहते हैं कि लाइक वो डिस्कस को बहुत ऐसा हार्ड फिश मानते हैं या आप डिस्कस उनकी बहुत जल्दी मरती है, हालांकि इसके ऊपर अपन एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, पर ऐसा मेन रीजन क्या होता है कि जिसके कारण डिस्कस लोग नहीं पाल पाते या डिस्कस मर जाती है? बहुत से लोगों की गलती ये होती है कि बहुत से लोग प्लांटेड टैंक के अंदर ये डिस्कस जब डाल देते हो, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलूंगा, डिस्कस जो है चिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसको नमक सॉल्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि पानी ज्यादा लाइट रहने की वजह से मच्छी प्लांटेड में ये रखने वाली डिस्कस नहीं है। आप लोग को मैं सबसे पहले बताता हूँ, प्लांटेड में प्लीज डिस्कस ना डालें। अगर आपके पास पेबल्स वगैरह है तो भी चल जाएगा, सैंड भी है तो भी चल जाएगा, बट बेयर बॉटम टैंक में रखेंगे तो बेस्ट है डिस्कस के लिए। आपको नॉर्मल में हीटर लगेगा, स्पॉन्ज फिल्टर लगेगा, बाकी इसके ऊपर पर्सनल वीडियो बताऊंगा इसके मेडिकेशन के बारे में। ओके, ये इस टैंक के अंदर पहली बार देख रहा हूँ, फिश कौन सी फिश है? पोलर ब्लू पैरेट है ये, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसका साइज़ मिनिमम एक 2.5 इंच तक का साइज़ इसका चले जाता है बड़ी होने के बाद में। मेल फीमेल बहुत दोनों मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप इसको नॉर्मल से 1 या 1 फीट के टैंक में भी आप इसको रख सकते, बहुत प्यारी मच्छी है ये, ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप पैरेट अफोर्डेबल नहीं है, आप पैरेट मॉन्स्टर बड़ी मच्छी नहीं रख सकते, तो आप ये पोलर ब्लू पैरेट पाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आरिफ भाई, ये इस टैंक के अंदर कौन सी अरवाना है?
यहाँ पे सिल्वर अरवाना है, सिल्वर अरवाना 8 इंच का साइज का ही है, 8 इंच का साइज का आपको 1200 रुपये पर पीस के हिसाब से मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का है, आप देखेंगे इसके बॉडी के ऊपर आपको किधर भी कोई भी डैमेज या फिर कोई भी टेल टूटा हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफी लोग आपने देखा रहेगा, बहुत सी जगह पे आपने देखा रहेगा, थोड़ा सा बॉडी पे स्केल वगैरह निकले हुए रहेंगे, टेल डैमेज रहते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में रखे हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा देख के लेना होता है आपको। अरवाना खरीदना है, बाय करना है, तो आपको चेक करके लेना है, ओके, हेल्थी कंडीशन में, ओके। इसके अलावा यहाँ पे फेरीटेल मॉलीज है, फेरीटेल मॉली का जो फिन है ऊपर का जो काफी ज्यादा बड़ा है आपको नजर आ रहेगा आपके टैंक में, ये अलग टाइप्स की मॉली होती है, बड़े साइज में जंबो साइज की है, ये देख सकते हैं काफी अच्छा इसका ऊपर का फिन है ये पूरा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी क्वालिटी की मॉली आपको ये वाली 100 रुपीज के हिसाब से मिलेगी, 204 पैर में, अलग टाइप की मॉली, नॉर्मल मॉली आप लोगों ने देखा रहेगा 30 रुपए से लेके स्टार्ट होती है पेयरिंग में, तो ये वाली थोड़ी अलग टाइप की मॉली आपको नजर आती रहेगी। तो अरे भाई ये नॉर्मल मॉली के साथ भी डाल सकते हैं इस मॉली को, अगर आप अच्छा क्वालिटी का कुछ चीज रखना चाहते हो तो आप कुछ अलग ही और अच्छा टाइप का कुछ रखे, ये नहीं कि कचरा उठा के आपको टैंक में सिर्फ भरना है, ओके। इसके अलावा सेकंड में आपको नजर आ रहा है वाई लोज, जो टाइगर लोज बोला था, बॉटम में रहने वाली मच्छी, आप इसको अरवाना के साथ में भी रख सकते, जिस तरह से मैंने अपने टैंक में रखा हुआ यहाँ पे देखेंगे आप, आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो यार भाई ये जो लोचेस है ये क्या नीचे का वेस्ट खाते हैं या क्या? ये लोच का जो काम होता है, आप लोग को बताया था मैं, आप लोग वीडियो काफी अच्छे से देखते हो, मुझे काफी बहुत ज्यादा लाइक करते हो, मुझे थैंक यू सो मच आप लोगों को लाइक करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए। ये जो लोचेस है, ये लोचेस बॉटम में जो वेस्टेज फूड गिरता है वो वेस्टेज फूड खाते हैं लोग, तो आपके जो जमीन पे गिरा हुआ खाना होता है वो खा लेते। एक बार ध्यान से निकाल लीजिए, काफी लोग, बहुत से लोग पब्लिक को मिसगाइड करते हैं कि ये संडास खाने वाली मच्छी नहीं है, आप लोग को बता देता हूँ मैं, वेस्ट एल्गी खाने वाली मच्छी भी नहीं है ये, ओके। बहुत से लोग झूठ बोलकर धंधा करते हैं, झूठ बोलकर बेचते हैं, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके लिए कि ये मच्छी बॉटम में रहने वाली वेस्टेज फूड खाने वाली मरी हुई मच्छी गिरी रहती है प्लांटेड के अंदर, तो वो मच्छी खा लेती है, ओके। तो ये बेस्ट मच्छी आपकी, अगर स्नेल हुआ है आपके टैंक में, जंगली स्नेल हुआ है प्लांटेड में, तो ये बेस्ट मच्छी स्नेल खाती है, ओके। अरे भाई ये जो लोचेस है इनका प्राइस क्या है? 75 पर पीस के हिसाब से मिलेगा, 154 पैर में आपको ये मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फिशेस टैंक के अंदर, ये कौन से फिश आ रहे भाई? यहाँ पे डेनासोनी है, बाला शार्क है और रेड टेल रेम्बो शार्क है, यहाँ पे देखेंगे आप, आपको वीडियो में नजर आ रही है। तो ये वाले के मैं प्राइस बताता हूँ, डेनासोनी जो है आपको पड़ जाएगी 154 पर पीस के हिसाब से, 304 पैर में मिल जाएगा, बड़ा साइज है, मिनिमम 3 इंच का साइज है इसका। इसके अलावा आपको रेड टेल रेम्बो शार्क है 100 रुपीज पैर में मिलेगा आपको ये, इसके अलावा बाला शार्क है छोटी साइज में 154 पैर में आपको मिल जाएगा, ओके। यार भाई इस टैंक के अंदर कौन से टेट्रास हैं? ग्लोइंग विडोज है इसके अंदर, मेरे पास कलर ज़्यादा है काफ़ी औरों के मुकाबले में, यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो आपको ये 404 डजन में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे प्लेटिस भी है, ये वाला प्लेटिस भी आपको लेंगे आपको समथिंग ये 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा। ये कौन सी मिकी माउस प्लेटी है ना, इसका टेल पे देख सकते हैं मिकी माउस का फेस है, इसलिए मिकी माउस प्लेटी बोलते हैं इसको। नॉर्मली विदाउट ऑप्शन में भी मच्छी चलती है बेस्ट, ओके। तो यार भाई ये जो डिस्कस है ये कौन सी डिस्कस है इस टैंक के अंदर? बड़े साइज की डिस्कस है, इसके अंदर स्पॉटेड लेपर्ड और स्नेस्किन लेपर्ड वगैरह मिक्स में लौट रही है वाला लेंगे तो आपको समथिंग 2500 रुपीज़ पैर के हिसाब से आपको मिल जाएगा ये वाले डिस्कस। अच्छी क्वालिटी के डिस्कस है और हेल्थी और सेट मान है, ओके। तो यार भाई ये जो फिश है इस टैंक के अंदर कौन सी फिश है? यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है पिकॉक बास है, ये पिकॉक बास आपको 700 पैर में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अमेरिकन टाइटनॉइड्स है जो 500 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा पीछे आपको बाला शार्क नजर आ रही है, बाला शार्क जो आपको मिल जाएगी 404 पैर में। इनका क्या साइज आ रही भाई? ये बाला शार्क बड़ी दिख रही है थोड़ी, 4 इंच की साइज है भाई, ओके। ये इस टैंक के अंदर कौन से फिश आ रहे भाई? यहाँ पे रेड स्पॉटेड शिवरम नजर आ रहे हैं आपको आपके वीडियो में, आपके चैनल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है वाली, ये वाली लेके तो आपको पड़ जाएगी 400 पैर में, रेड शिवरम बोलते हैं इसको। अच्छी क्वालिटी की, काफी मॉन्स्टर में नहीं आती है, नॉर्मल है, मिनिमम एक 7 इंच 8 इंच तक का इसका साइज चले आता है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आपके टैंक में ऑस्कर है, ये यहाँ पे ऑस्कर की वैरायटी है, यहाँ पे पैटर्न वाले ऑस्कर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे रेड ऑस्कर आपको नजर आ रहे हैं, 175 पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगा 354 पैर में। ये इम्पोर्टेड ऑस्कर है भाई? इम्पोर्टेड ऑस्कर काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लोकल ऑस्कर के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बढ़ने के बाद भी अच्छे लगते हैं। और आपको जैसा पता है भाई इम्पोर्टेड ऑस्कर ही रखते हैं।
इस टैंक के अंदर कौन सी अरे भाई फिश है? यहाँ पे पैरेट का वैरायटीज है, जो पैरेट में अलग अलग टाइप्स के जो पैरेट रखना चाहते हो तो ये आप टैंक देख सकते हैं, आपके नजर आ, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे बाई कलर पैरेट है, यहाँ पे रेड पैरेट है, येलो पैरेट मिक्स में आएगा आपको, आप सब कलर आपको तीनों कलर मिल जा रहे हैं। खूबसूरत कलर है इन लोग का, दिखने में ज्यादा खूबसूरत है, आप लोग को नजर आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बाई कलर पैरेट जो आपको 500 के हिसाब से 1000 वो पैर में मिलेगा। अगर आप हार्ड शेप पैरेट में लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 454 पर पीस के हिसाब से, एंड आप रेड पैरेट लेंगे तो आपको 600 पर पैर में मिल जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं और पैरेट्स आ रहे भाई के पास। तो आ रहे भाई इस टैंक के अंदर कौन से पैरेट्स हैं? यहाँ पे भी पैरेट का एक टैंक है मेरा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे देखेंगे ये टैंक में आपको ये जो फ्लोहन है ये शॉर्ट बॉडी, ये पैरेट की वैरायटीज नहीं है, बहुत से लोग को पता नहीं है। ये जो है आपको 400 फोर पैर में मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का, आप इसको पैरेट के टैंक में डाल सकते हैं जिस तरह से मैंने रखा हो। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे येलो पैरेट आपको नजर आ रही है, ये वाले हार्ट शेप पैरेट है, 450 पर पीस के हिसाब से मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप रेड पैरेट नजर आ रहे हैं आपको, ए ग्रेड का रेड पैरेट है जो शॉर्ट बॉडी में रहता है, उसका शेप आगे का चेंज होता है, वाला आपको 600 फोर पैर में मिल जाएगा। ओके, और इस टैंक के अंदर ये देख सकते हैं यार भाई ये क्या चीज रख रखी है आपने इस टैंक के अंदर? ये आप देख रहे ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये ग्रूमिंग मिरर है। ओके, तो ये मैंने शो के लिए रखा हूँ, बट ये फ्लावर के काम आता है मेरे पास, छोटे फ्लावरों ने तो ये क्या करता है अरे भाई ग्रूमिंग मिरर? एक्चुअली ये फ्लावरों के लिए इसलिए रखा जाता है कि बहुत से लोगों के सवाल है, मैं बता देता इसके ऊपर, ये फ्लावरों ज्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए उसको रखते है, वो मतलब ज्यादा एक्टिवनेस, क्योंकि उसको लगता है कि दूसरा फ्लावर सामने खड़ा है तो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, उसकी मूविंग में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो उसकी बोलते हैं ना अंदर से जो उसकी खूबसूरती है, जब वो होता है, जब एग्रेसिव होता है तब उसके अंदर से खूबसूरती आती है और मच्छी एक्टिव रहती है, तो इसके लिए ग्रूमिंग मिरर यूज होता है। ओके, तो यार भाई ये ग्रूमिंग मिरर आप सेल भी करते हो अगर किसी व्यूअर को चाहिए तो? हाँ भाई, मैंने आज ही एक को दिया था, मेरे पास फ्लोरन लिया था बंदे ने, तो उसको दिया मैंने, तो ये 250 पर पीस के हिसाब से आपको मिलता है ग्रूमिंग मिरर। ओके, तो ये आप उसे बाय कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। और ये डिलीवर भी हो जाएगा अगर कोई भी और अपना फ्लोरन खरीद रहा है तो? मुंबई के हिसाब से अगर आपने फ्लोरन अगर किसी ने बाय किया मुझसे तो वो ले सकता है, बट घर ये सिर्फ ओनली फॉर भेजने बोलेगा तो मैं नहीं भेज पाऊंगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है, तो आप अगर मच्छी वगैरह मेरे से बाय की हो तो मैं आपको ये दे सकता हूँ उसके साथ में पार्सल में। ओके, तो यार भाई ये टैंक के अंदर कौन से ऑस्कर है? यहाँ पे ऑस्कर नजर आ रहे हैं, ये वाले कॉपर ऑस्कर, टाइगर ऑस्कर मिक्स में, इसके अंदर ये वाले आपको 500 to 600, 800, 700 तक के पैर में आपको मिल जाएगा। बड़ा साइज का ऑस्कर आपको 700 पैर में मिलेगा, ये वाला ऑस्कर देखिए 500 रुपये पैर में आपको मिलेगा। ये भी इम्पोर्टेड ऑस्कर है भाई? भाई ये कॉपर वाले इम्पोर्टेड ऑस्कर है। ओके, तो यार भाई इस टैंक के अंदर ये कौन सा ऑस्कर है अपने पास अभी? यहाँ पे ये पैटर्न वाले टाइगर ऑस्कर और कॉपर ऑस्कर मिक्स है, 175 पर पीस के हिसाब से मिलेगा, मिनिमम 3 inches का साइज है इसका। Okay. तो आपको 350 पर पैर में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बाजू में जो पैरेट नजर आ रहे हैं ये वाले भी आपको 600 पर पैर में मिलेंगे, ए ग्रेड का पैरेट है ये भी। ओके, और इस टैंक के अंदर ये क्या रख रखा है भाई आपने पीछे? भाई ये कोरल पानी को हैवी करता है, तो पीएच बढ़ जाता है पानी का, तो हैवी के लिए इसको रखा जाता है, हैवी पानी टीडीएस बनाने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए इसको रखा जाता है, तो ये कोरल मैरी चिकलेट वैरायटी में आता है, तो इसके लिए इसको रखा। ओके, तो यार भाई इस टैंक के अंदर कौन से एंजल्स हैं? यहाँ पे मोनो एंजल है आपको 1200 रुपीज फॉर डजन में मिलेगा, पैरिंग मिलेगा तो 250 फॉर पैर में मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल में मैंगो ऑस्कर नजर आएंगे आपको, ये देख सकते हैं मैंगो ऑस्कर है, आप ये अच्छी क्वालिटी के मैंगो ऑस्कर आप देखेंगे, अल्बिनो रेडाइज इसकी आंखें भी ज्यादा खूबसूरत है, मैंगो जैसी है, तो ये ले लेंगे तो आपको 400 फॉर पैर में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आरिफ भाई के पास हमेशा आपको पता है गप्पी का काफी स्टॉक रहता है, तो ये कौन सी गप्पी आरिफ भाई इस टैंक के अंदर? नियॉन ब्लू गप्पी है ये। ओके, नियॉन ब्लू गप्पी इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके बॉडी के अंदर एक खूबसूरत सा नियॉन सा कलर और ब्लू कलर का, तो इसका नाम नियॉन ब्लू गप्पी है। या आप अगर डजन में बाय करना चाहते हो तो 500 डजन में आपको मिल जाएगा। ओके, और पैर का क्या रेट है भाई? अगर आप पैर में लेंगे तो आपको 154 पैर में मिल जाएगा, बेल फीमेल ग्रोथ। ओके, और ये ब्रीड कर जाते हैं भाई? भाई ये ब्रीड होते हैं ऑल गप्पी मुकाबले में, जिस तरह से नॉर्मल गप्पी ब्रीड होती है उसी तरीके से गप्पी ब्रीड होती है। तो यार भाई इस टैंक के अंदर कौन सी गप्पी अपने पास? यहाँ पे कोब्राज गप्पी है, इसके अंदर कुछ मिक्स लॉट में है, अच्छी क्वालिटी के गप्पीज है, ये आपको ब्रीडिंग स्टॉक में यूज होगी। अगर आप नॉर्मली ब्रीड करना चाहते हो ब्रीडिंग स्टॉक के लिए, तो आपका कम बजट है तो आप इसको आप स्टार्टलिंग ले सकते हैं, 500 डजन में आपको मिल जाएगी, मेल और फीमेल बोलते। ओके,
तो ये अरे भाई इस टैंक के अंदर कौन सी गप्पी है? यहाँ भी गप्पी की मिक्स लॉट की वैरायटी है मेरे पास। ये भी देख रहे हैं आप लोग को आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप लोग हमेशा ही मेरे वीडियोस वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखते हो, मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, मैं आप लोग के लिए शायद से फेवरेट भी हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं। तो भाई ये आप डजन में लेंगे तो आपको 454 डजन में मिल जाएगा ये। ओके, और पेयर का क्या रेट है इनका? ये आपको पेयरिंग में 154 पेयर में मिल जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं गप्पी का स्टॉक है। ये कौन सी गप्पी आ रही भाई? ये रेड में टक्सिडो गप्पी इसको बुलाया जाता है, रेड कलर में। ये वाली आप लेंगे तो आपको 300 डजन में मिलती है। ओके, 300 पर डजन। और पेयर का क्या रेट है इनका? 60 to 70 रुपीज़ का पेयर में आपको मिल जाएगा। ओके, और इसमें ब्रीडिंग मिल जाएगा मेल फीमेल? ये मेल फीमेल बहुत है भाई इसके अंदर दोनों। ओके, इस टैंक के अंदर कौन से फिश आ रहे भाई? यहाँ पे आपको दो वैरायटी नजर आ रही है। यहाँ पे मेरे पास नियॉन टेट्रास है। नियॉन टेट्रा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी हेल्थी है। मैंने काफ़ी लोगों को सुना भी है कि भाई यहाँ पे इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है। एकदम बारीक साइज़ जो होती है ना, वो एकदम नाजुक सी साइज़, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बारीक नियॉन टेट्रा मॉर्टेलिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो थोड़ी सी अच्छी साइज़ लेना होता है आपको। अगर आप ये बाय करेंगे काफ़ी हेल्थी और अच्छी क्वालिटी के, आपको 254 डजन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास अल्बिनो कॉरी नज़र आ रहा है आपको आपके स्क्रीन के ऊपर। अल्बिनो कॉरी लेंगे तो आपको 100 rupees पर पेयर में मिल जाएगा। ओके, और ये बेटा कौन सी आ रही भाई? ये मुंटिल बेटा मैंने छोड़ कर रखा हुआ उसके लिए। ओके, और ये प्लांट्स कौन से आ रहे भाई इस टैंक के अंदर? यहाँ पे ये बनाना लीव्स प्लांट है, ये आपको लेंगे तो आपको 100 rupees पॉट के हिसाब से आएगा, 100 rupees पॉट में। ओके, और इसको पॉट में ही रखते हैं या प्लांट को सॉइल में लगाना पड़ेगा? एक्चुअली ये जो बनाना है आप इसको इसी तरीके से रख सकते तो भी चल जाता है ये, इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी रख सकते हैं। बट अदर प्लांट जो होते हैं पॉट वाले जो सेल हो रहे हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धड़ल्ले से, तो मैं आप लोग को ये बताऊँगा इस वीडियो पर चलते हुए कि प्लीज़ आप लोग वो प्लांट को पॉट में ज़्यादा टाइम तक ना रखें। इस टैंक के अंदर देख सकते हैं ये मॉलीज की वैरायटी है। कौन सी मॉलीज आ रहे भाई? भाई इसके अंदर आप लोग को मिक्स लॉट है मेरे पास। यहाँ पे देखेंगे चॉकलेट मॉली है, ग्रे मॉली है, यहाँ पे वाइट है, ब्लैक है, मतलब चार पट टाइप के कलर के मॉली। अगर आप इसको डजन में बाय करना चाहते हैं 254 डजन में मिक्स में लेंगे तो, अगर आप वाइट ब्लैक एंड गोल्डन लेंगे तो आपको 200 rupees डजन में मिलेगा। तो ये क्वालिटी अच्छी है, ब्रीडिंग स्टॉक है मेरे पास, काफ़ी सारा अच्छा मॉली का कैटेगरी है। जैसे आपने देखा आपको इसी वीडियो के अंदर फेरीटेल मॉली नज़र आई थी। हाँ, वो पहले आई थी फेरीटेल मॉली अपने पास, यही वाली मॉली बोल रहे हो ना, फेरीटेल मॉली मारे भाई? आपको ये मॉली देख रहे हैं आप वीडियो में, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसके टेल जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है आपको नज़र आ रहे हैं आप देख रहे वीडियो में, तो ये उस मॉली से काफ़ी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका रेट आ रहे भाई एक बार दोबारा हमारे व्यूअर्स को बताएं क्या रेट है इसका? भाई ये 100 rupees ईच के हिसाब से आएगा। फेरीटेल मॉली जो बड़े फीन वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है ये। ओके, और ये ब्रीड होती है आ रही भाई? हाँ ये ब्रीड होती है ना भाई, ब्रीड नहीं होगी तो ये आती कहाँ से? तो ये आ रही भाई, ये कौन से फिश है इस टैंक में? यहाँ पे ज़ेब्रा डेनियो है आज का, ये रिसेंटली रेट 200 rupees फॉर डजन आपको मिल जाएगा ये। अगर आप इसको हाफ डजन में बाई करेंगे तो 154 हाफ डजन में आएगा। तो ये यार भाई इसमें कौन से बेटाज हैं? ये बेटा फुल मून की बेटा की फीमेल्स ही है, फीमेल आपको लेके तो 100 rupees इंच के हिसाब से मिलेगा। ओके, और ये इनके लिए मेल अवेलेबल है अपने पास सारे भाई ब्रीडिंग के लिए? मेल थोड़ा सा भाई कम है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मेल काफ़ी ज़्यादा मंगाया, वो वाले मेल आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग कैटेगरी में। ओके, तो ये कौन सी फिश आ रही भाई? यहाँ पे डबल टेल शॉर्ट टेल है इसको, सीमेंस बोलते हैं, दो टेल होती है इसको पीछे से आपके वीडियो में नजर आ रही है आपको। यहाँ पे ये वाले लेंगे तो आपको 354 डजन में, रेडाइज में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अल्बिनो रेडाइज, ये वाले 354 डजन में मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बड़े साइज के एंजल आपको नजर आएंगे इस टैंक में बाजू की। ये वाले देखेंगे वेल टेल में बटरफ्लाई टेल बोला जाता है इसको, ये वाले लेंगे तो आपको 250 ईच के हिसाब से फुल साइज में एंजल है, बड़े साइज में ब्रीडिंग स्टॉक है ये, तो आपको 254 पीस के हिसाब से मिलेगा। ओके, तो यार भाई इस टैंक के अंदर कौन से फिश है? यहाँ पे पिराना है, पिराना आपको 254 पैर के हिसाब से मिलेगा, बड़ा सही से मिनिमम 4 inch का। आप इसको ऑस्कर वगैरह के साथ में रख सकते हो, या फिर आपके मसाला बना है तो आप इसको रख सकते हो, मतलब मॉन्स्टर टैंक में इसको रख सकते हो। मॉन्स्टर वैरायटी बड़ी हो जाती है, जल्दी फास्ट ग्रोथ होने वाली मच्छी हुई है। तो इसके अलावा नेक्स्ट टैंक में ये कौन सी फिश आ रही है? इसके अलावा यहाँ पे बाजू में आपको सकर ब्लैक अल्बिनो एंड ब्लैक गुरामीज है, ब्लू गोल्डन और वाइट और किसिंग गुरामी, इसके अंदर मिक्स में सब भरा भरा बिना ऑक्सीजन में रहने वाला मच्छी है सब। तो आप लोग कोई 80 rupees से लेके 150 के पैर में आपको क्लैकोज मिल जाते हैं, साइज पे डिपेंड है।
आप ग्रामीज वगैरह ले लेते हो, आपको 70 rupees to 80 rupees फोर पैर में मिल जाते हैं ग्रामीज में। ओके, इस टैंक के अंदर देख सकते हैं आप। तो आरिफ भाई, इसके अंदर दो चीजें दिख रही है, सबसे पहले तो फिश कौन सी है बताएं आप? यहाँ पे डॉलर है, डॉलर आप लोग को बता रहेगा, काफी अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, कॉइन वगैरह बोला जाता है इसको, कॉइन फिश या फिर डॉलर, हम लोग डॉलर बोलते हैं मुंबई के अंदर, हम लोग मुंबई में रहने वाले लोग हैं तो हम लोग डॉलर बोलते हैं इसको। ये डॉलर आप अगर डजन में लेंगे तो आपको 300 फोर डजन में, हाफ डजन 200 में आएगा, अगर आप पैरिंग में लेंगे तो आपको 80 rupees फोर पैर में आएगा। ओके, नेक्स्ट आप इसके अंदर देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट टर्टल्स हैं। ये कौन से टर्टल्स आ रहे भाई? अमेरिका रेडियस स्लाइडर है ये, सिंगापुरी इसको बोला जाता है, ये पैट्स में आते हैं, मैं आप लोग को बता दूँ वीडियो के चलते हुए, ये पैट्स में इलीगल में नहीं आते, ये देखेंगे आप इलीगल में नहीं आती है, तो काफ़ी लोगों का मानना है, काफ़ी लोग डरते हैं कि मैंने देखा हो, मैंने सुना भी हो, ये पेट्स में है, ये होम ब्रीड है, ये घर में ब्रीड होती है। ओके, आपने देखा रहेगा, आप लोग व्यूज वीडियो देखते हैं बहुत सारे, तो ये घर में ही ब्रीड हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं इसका, तो ये पेट्स में आते तो नो प्रॉब्लम, इसकी जाति ख़त्म नहीं होगी कभी। ओके, ये तो मतलब ये लीगल है पालना? ये लीगल में देख सकते हैं आप। तो इनका क्या रेट है अरे? अगर आप पैरिंग में लेंगे तो 800 फॉर पैर में आपको आएगा, 800 rupees पैर में। अगर आप मुझसे पार्सल लेना चाहते आप टर्टल, तो थोड़ा सा आपको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, आप जा भी रहते हो, आप स्टेट आपका बता दीजिए, अगर आपका जंक्शन है रेलवे जाती है जहाँ तक होल्ड है रेलवे का, तो मैं आपको वहाँ तक मैं रेलवे से पार्सल करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कुरियर का अभी तक इंतज़ाम हो नहीं रहा है परफेक्टली, क्योंकि कुरियर के लिए 2 to 3 or 4 days चला जाता है, कोई चांसेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ, कुरियर का मेरा कुछ कंफर्म हो नहीं रहा है, तो वो हिसाब से मैं भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में कुरियर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं कुरियर से आपको ये टर्टल पार्सल कर दूँगा। ओके, तो यार भाई इस टैंक के अंदर ये कौन सी फिशेज है? यहाँ पे गोल्ड है और ये बटरफ्लाई कोई है, ये देखेंगे ये शुभम की है बटरफ्लाई, और वहाँ पे देखेंगे कोई है। इनके क्या रेट है भाई? ये अच्छी क्वालिटी की कोई है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मैं हर बार वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, कोई के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, अगर आप कलकत्ता चेन्नई वाले दादा लोग देख रहे रहेंगे तो आप लोग को पता है दादा लोग कि ये किस टाइप का माल है और कौन से कैटेगरी का माल है, अच्छा माल कचरा माल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लोग मुझे आगे बोलते हैं भाई इधर इतने का मिल रहा उधर इतने का मिल रहा, और बहुत से लोग बोलते भी अरे भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत से लोग ने मैंने आज तक ये भी देखा हो कि वो थंबनेल के अंदर प्राइसेस वगैरह डाले हुए हैं, वो भी देखा हो मैंने। इसके अंदर है ना भाई मच्छी के अंदर मैं आप लोग को बता दूँ वीडियो में कि मच्छी है ना 5 rupees से स्टार्ट होती है, 5000 तक भी है और 5 lakh तक की भी है, आपने ये कोई देखा है ना, आप इम्पोर्टेड कोई देख लेंगे ना भाई तो 2.5-3 lakh rupees की कोई भी आती है इम्पोर्टेड के अंदर। तो इसके अंदर कैटेगरी है ऊपर नीचे आप लोग को सबको पता रहेगा शायद से, तो ये कोई है मेरे पास 50 rupees इसके हिसाब से मिलेगा, डजन मिलेंगे 450 rupees डजन में आपको मिल जाएगा ये कोई। देख सकते हैं आप ये काफी वैरायटी के प्लांट्स हैं। तो आरिफ भाई ये कौन कौन से प्लांट्स हैं इस टैंक के अंदर अपने पास जो है? यहाँ पे 10 टाइप के आपको ये पॉट में प्लांट्स वाली वैरायटी मिल जाती है मेरे पास, 60 rupees to 100 rupees फॉर पॉट के हिसाब से ये प्लांट्स मिल जाते हैं आप लोगों को, ये प्लांट्स काफी मतलब एक सस्ता और अच्छा प्लांटेड, आप छोटा मोटा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, तो मेरी शॉप पे आप आएंगे तो आपको ये प्लांट्स मिल जाएगी, ये इजीली आपको बट ये ज़्यादा टाइम तक ये पॉट आपको रखना नहीं है, आपको ये बाद में निकाल कर इसको आप निकालने के बाद आप इसको सॉइल में लगा दे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर पॉट में रहते नहीं है, बहुत से लोग बोलते ना झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलने वाला काम नहीं चलता अपने पास, तो आप इसको नॉर्मली सॉइल में लगाए तो बेस्ट रहेगा, आप छोटा सा प्लांटेड भी रेडी कर सकते हैं, इक्विटी या बेनिफिट का ये ले जाने के बाद आपको सस्ता है, अगर आप डजन में लेंगे तो मैं आपको कम रेट में दे दूँगा। ओके, तो ये ऊपर जो फ्लोट हो रही है भाई ये कौन सी वैरायटी है? ये ग्रास की वैरायटी है आपको, ग्रास ये स्क्रू ग्रास है मेरे पास, अगर आप ये बाय करना चाहते तो 154 बल्ब के हिसाब से आपको मिलेगा, ये इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप इसको लगा सकते हो आपके प्लांट्स में, और ये उसमें यहाँ पे भी है ये स्क्रू ग्रास है 154 बंच में मिलता है ये। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे ना मेरे टैंक देखेंगे, यहाँ पे ये वाली ये मेरा ये प्लांटेड टैंक है मेरा, बहुत अच्छे से इसको सजाया हुआ हूँ मैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा, चैनल पता नहीं कौन सा रहेगा बट मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, आप वो वीडियो देखना, बहुत किसी ने बोला है कि विदाउट सी ऑटो में प्लांट उगते नहीं है, तो मैं रखा हूँ और मैं रखते बताऊँगा लोगों को सिखाऊँगा बिना सी ओ टू वाला प्लांट किस तरह से बनाना चाहिए। तो ये प्लांट देख रहे हैं आप, बेस्ट प्लांट्स है मेरे पास, लोग का प्राइसेस जो है 100 rupees से स्टार्ट होता है मेरे पास यहाँ पे,
150 से 200 के रेंज में प्लांट आ जाते हैं आपको, डिफरेंट ऑफ टाइप्स के जैसे आप लेंगे। बहुत सारी वैरायटीज है मेरे पास इसके अंदर, तो आप सब बाय कर सकते हैं और ले सकते हैं मेरे से। ये सब वैरायटी रेड कोकम्बास है, मकरांडा है, यहाँ पे एग्रोफिलिया वगैरह है, यहाँ पे ग्रास की वैरायटी अम्ब्रेला है, पर्पल स्टार, पर्पल आलोमाटिका, माइग्रो है, अम्बुलिया है, यहाँ पे लुडविकिया, यहाँ पे अमेजोन है, एक्वारोज है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है, बनानास की वैरायटीज़ है मेरे पास यहाँ पे। आप ये नॉर्मली आपको अगर जिस तरह से मैंने यहाँ पे देखें, अब गोल्डन रिवर साइड में मैंने किया वो इस तरह का, इससे आप इसको प्लांटेड कर सकते हो। वाइट लाइट लगाना है, जिस तरह से मैंने वाइट कलर के LED लगाए ऊपर, ये वाइट लाइट है, और नॉर्मली स्पंज फिल्टर लगाए। अगर आप नॉर्मली स्पंज फिल्टर या हैंग ऑन फिल्टर में भी कर सकते हो, आपका टैंक जिस टाइप का रहेगा उस टाइप का, आप इसको इजीली प्लांट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह अरे भाई का टाइम मिलेगा तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे पूरा। भाई दिन भर काम करने के बाद थोड़ा टाइम कम मिलता, प्लीज़ तो माफ़ कीजिए, वीडियो बनाते रहता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, आप लोग मोहब्बत पे ये सब करता हूँ, तो ये वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, इंशाल्लाह और बढ़ाऊँगा टाइम मिलेगा वक्त मिलेगा तो। अभी तो ये मेरे शॉप आप लोग ने विजिट कर लिए, तो ये मेरी परी परे मन का, क्योंकि वो प्लांट्स कुछ टाइम के बाद ख़राब और मेल्ट होना चालू हो जाते, वो जो पॉट के अंदर नीचे से ना वो निकलना चालू हो जाते, क्योंकि नीचे से रूट्स और मिडल में ख़राब होना चालू होता तो ख़राब हो जाते। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस बात का, अगर आप पॉट वाले प्लांट भी बाय करते हो तो प्लीज़ सॉइल में लगाए उसको, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए। और एक बात ध्यान में रखना है, आपको व्हाइट कलर का लाइट लगाना है। अगर आप RGB वगैरह लाइट यूज़ कर रहे हो, जो चाइना के जो लाइट मिलते हैं LED, वो भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको प्लीज़ वो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट प्लांट को चलती नहीं है। आपको नॉर्मली व्हाइट कलर की लाइट लगाना है, अच्छी व्हाइट कलर में, थोड़ा पावर थोड़ा सा रहना चाहिए, एक 25 वोल्ट तक की, 15 वोल्ट तक की भी चल जाती है, टैंक के साइज पे डिपेंड है, तो आपका प्लांटेड रेडी हो जाता है नॉर्मल सॉइल में। ये देख सकते हैं इसके अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो अरे भाई इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? यहाँ पे आपको पोस्टा टेट्रा है, फैंटम टेट्रा, सर्फी टेट्रा, व्हाइट विन टेट्रा आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा रैम्स भी इसके अंदर है, इसके बाद में माउंटेन मिडोज भी है इसके अंदर, सब मिक्स लॉट में टेट्राज है हमारे पास एट ए टाइम। इसके अलावा मैं आप लोग को प्राइस बताता हूँ, फैंटम टेट्रा आप लेंगे तो आपको 254 डजन में आएगा, आप वेल्टन सर्फी लेंगे तो आपको 504 डजन में आ जाएगा, इसके अलावा पोस्टा टेट्रा लेंगे 754 डजन में आएगा, व्हाइट विन टेट्रा 454 डजन में आएगा आपको, ऑल मिक्स टेट्रा है मेरे पास। इसके अलावा भी एक टैग और जिसमें टेट्रा है मेरे पास, वो भी आप लोग को बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर भी मिक्स लॉट है टेट्रा का। तो इसके अंदर कौन कौन सी टेट्रा आ रही है भाई? यहाँ पे ब्लैक फैंटम है, ग्लोलाइट टेट्रा है, एम्बर टेट्रा है यहाँ पे, और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे ये वाला, ये भी एक परमरी एम्पर टेट्रा बोलते हैं इसको, ये है। इसके अलावा मेरे पास गप्पी में है, एडलर गप्पीज है, सब मिक्स लॉट है इसके अंदर। अब इसके प्राइसेस बताए तो आप लोगों को मैं, फैंटम टेट्रा 254 डजन में, ग्लोलाइट टेट्रा लेंगे वो 254 डजन में, इसके अलावा रमिनोस टेट्रा 454 डजन में, इसके अलावा वो लेमन फिन टेट्रा वो आपको 400 डजन में आ जाएगा, इसके अलावा ये परमरी जो ब्लैक कलर का एम्पर टेट्रा है वो आपको 754 डजन में आएगा, इसके अलावा एडलर गप्पी आपको 350 डजन में आ जाएगा, इसके अलावा अंबर टेट्रा जो है मेरे पास 450 डजन में आ जाएगा। ये सब प्राइसेस है। तो थैंक यू सो मच आर्य भाई, आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतना अच्छा फिश स्टॉक और नॉलेजेबल वीडियो बनाया। तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, पर जो नए व्यूअर्स हैं उनको अपना शॉप कहाँ पे है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं थोड़ा। भाई मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं आज भी, दिल्ली से ज़्यादा करके फ़ोन आते हैं, दिल्ली वालों को मैं सबसे पहले शुक्रिया बोलूँगा, थैंक्स बोलूँगा, दिल्ली वाले मेरा चैनल देखते हैं, थैंक यू सो मच। मेरा शॉप मुंबई के अंदर है, मैं आप लोग को बता दूँ महाराष्ट्र मुंबई में हूँ मैं, तो मुझे बहुत कॉल, मुझे भी आज कल मैं शायद मेरे को 10-15 कॉल आ चुके हैं, अरे भाई दुकान किधर है तुम्हारी, तो मैंने बोला भाई मुंबई में दुकान है, अरे यार हमें लगा दिल्ली में है, नहीं भाई मेरे दिल्ली में दुकान नहीं है, क्योंकि दिल्ली बहुत काफ़ी दूर है मेरे से, मेरे पास इतना मैन पावर नहीं है कि मैं वहाँ पर दुकान चला पाऊँ, तो ये मेरी छोटी सी शुरुआत है, इंशाल्लाह अगर हो गया अल्लाह ने चाहा तो हर हर जगह पर ब्रांच रहेगी। तो मेरी मुंबई में दुकान है, अगर आपको कुछ भी चाहिए रहेगा, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मेरे दूसरे नंबर भी है उन पर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, अगर मैं नहीं उठा पाऊँ तो कभी कभी टाइम काम में बिजी रहता तो आंसर नहीं दे पाता। ट्रांसपोर्टेशन आपको देना है, आप कहीं का भी मच्छी लीजिए, मिनिमम 2-3 हज़ार रुपये ऑर्डर आप दे सकते हैं मुझे, मैं पार्सल कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं, मगर ऐसा स्टेशन बताइए जहाँ पे जंक्शन हो, जहाँ पे पार्सल उतर सके, होल्ड रहना चाहिए गाड़ी का। जैसे एग्जांपल मेरे से भाई ने कॉल किए थे वलसाड़ गया सॉरी नवसारी के लिए, नवसारी में होल्ड नहीं है भाई, मुझे ऑर्डर दे चुके हैं, मैं जब रेलवे स्टेशन पर जब पता करता हूँ मैं विजिट से, तो मालूम पड़ता है कि भाई अरे भाई वहाँ पर होल्ड नहीं है, तो
तो गाड़ी रुकेगी नहीं है, तो आपको आगे का स्टेशन बताओ। तो भाई बोलते नहीं भाई वो ज़्यादा दूर हो जाता, मैं जाके लूँगा नहीं पार्सल, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बस यहाँ से काफ़ी दूर है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ से लेके मैं अगर बोरी वाली या फिर वेस्टर्न लाइन में देता हूँ पार्सल ले जाके, तो बस का थोड़ा लंबा पड़ जाता है। इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूँगा, मेट्रो को क्लीन करूँगा और देखूँगा, जरिए बनाते रहूँगा पार्सल के। तो आप मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैसेज कीजिए, ऑर्डर दीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको पार्सल देने का। थैंक यू सो मच आर्य भाई।